बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्ट। रोस्ट बनाने के लिए हमने ये चिकन ले ली है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये सिरका 1 टेबल स्पून, ये ग्रीन चिल्ली और जिंजर है जिसे हमने पेस्ट बना लिया है, और ये हमारे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा। ये हमारा रोस्ट बनाने का फर्स्ट स्टेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास हरी मिर्चों का और अदरक का पेस्ट है, इसमें लहसुन बिल्कुल शामिल नहीं करते। ये हम डाल देंगे। ये हमारे पास सॉल्ट है, नमक, ये हम डाल देंगे। ये हमारे पास सिरका है 2 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये पानी है। पानी हमें 1 लीटर तक डालना है ताकि ये अच्छी तरह भीग जाए हमारी चिकन, क्योंकि सिरके की वजह से ये गल जाएगी, उसमें टेस्ट भी आ जाएगा जो हरी मिर्चें और अदरक हमने डाली है उसका। और ये स्टेप करना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी चिकन गलेगी नहीं जब आप रोस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे स्टेप के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड पाउडर। ये 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमारे पास ये जिंजर गार्लिक पाउडर है। इसके अलावा हमारे पास ये मैदा है 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास सिरका है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमारे पास सोया सॉस है, और किसी भी ब्रांड का ये टिक्का मसाला है। मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, मैं टिक्का मसाला यूज़ करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हमारे पास ये चिल्ली सॉस है 1 टेबल स्पून। ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए। हमने जो चिकन पानी में सॉक करके रखी है उसे हम निकाल लेते हैं और ड्रेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पानी से बिल्कुल इसे ड्रेन कर लिया है। ये देखिए, हरी मिर्ची और अदरक थोड़ी थोड़ी इस पर रह गई, तो इसे रहने दीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। ये पेपरिका पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और हमारे पास 1 टेबल स्पून है मैदा, ये डाल देंगे हम। ये सिरका है हमारे पास, सिरका डाल देंगे। सोया सॉस है हमारे पास, सोया सॉस डाल देंगे। ये हमारे पास लहसुन पाउडर है, ये डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये मस्टर्ड पाउडर है, ये डाल देंगे। टिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिएगा। और रेड चिली सॉस है, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लिए अपने हाथों की मदद से। देखिए, इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए। और तकरीबन इसे हम आधे घंटे के लिए फिर रख देंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप रेडी है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसमें भी सिरका है, पहले भी हमने सिरका लगाया था, जिसकी वजह से हमारी चिकन बहुत अच्छी सी गल जाएगी अंदर तक जब हम उसे रोस्ट बनाएंगे। अब हम इसे रख देंगे। आप इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन रख दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो गया हमारी चिकन जो थी मैरिनेट हुई हुई। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेप के लिए हमें चिकन जो मैरिनेट हुई हुई है हमारी वो चाहिए। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए तकरीबन 1 किलो, जो हमने छान लिया है। इसमें कुछ ऐड नहीं किया, प्लेन मैदा है ओनली। और इसके अलावा टैप वाटर है, सादा पानी आप ले लीजिए, तकरीबन 1 लीटर ले लीजिए, 1/2 लीटर ले लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, चिकन जो है मसाले में आप इस तरह फोल्ड कीजिए और इसे मैदे में इस तरीके से फोल्ड करके और अपने हाथों की मदद से इसे पुश करिए। अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए आपका मैदा। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से झटक लीजिए। ओके, इसके बाद फिर इसे पानी में डिप करें और फिर पानी को ड्रेन होने दें थोड़ा। ठीक है, फिर दोबारा से मैदे में फोल्ड करें और इसे पुश करें और अच्छी तरीके से इस पर
मैदे को फोल्ड होने दें। मैदे में टेस्ट खुद ही आएगा क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं वो खुद ही क्रम्स टेस्टी हो जाएंगे। इसी से ये देखिए हमारे क्रम्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये ब्रोस्ट डाल देंगे और तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। इसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह पकने दें। नॉर्मल आंच पे पकाएंगे, 160 टेम्परेचर है इसका। ठीक है, इसमें 20 मिनट हो चुके हैं हमारे क्रिस्पी ब्रोस्ट को तैयार होते हुए, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे क्रिस्पी ब्रोस्ट तैयार है। देखिए क्रम्स, देखिए इसके, देखिए। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।